सुप्रभात छात्रों, अब हम अगली कविता शुरू करेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध की सहर्ष स्वीकारा है। प्रस्तुत कविता भूरी भूरी खाक धूल से संकलित है। इस कविता में सहर्ष स्वीकारने के विषय में कवि ने वर्णन किया है। एक होता है स्वाभाविक रूप से स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, अर्थात खुशी खुशी स्वीकार करना। कवि जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को पूर्णतः समर्पण भाव से स्वीकार करने की हमें इस कविता के माध्यम से प्रेरणा देते हैं। और कवि कहते हैं, जहां से उन्हें यह प्रेरणा मिली वहां, यानी कविता प्रेरणा के उस उच्च तक मतलब कि चरम सीमा तक हमें ले जाती है। और इसलिए कवि कहते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी है, सुख है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, खुशी है, अवसाद है, संघर्ष है, जो कुछ भी उनके जीवन में है, उन्होंने हर परिस्थिति को, सुखद परिस्थिति हो या दुखद परिस्थिति हो, हर परिस्थिति को उन्होंने सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार किया है। और वे कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी जीवन में मिला है, कवि को जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, वह या तो उनकी माँ के माध्यम से या उनकी प्रियतमा के माध्यम से मिला है। और कहते हैं जो कुछ कवि को मिला है वह या तो माँ के माध्यम से मिला है या प्रियतमा के माध्यम से मिला है, और सब कुछ उन्हें प्यारा है। कहते हैं, मेरी गर्वीली गरीबी, गर्वीली का अर्थ है घमंड, अहंकार, विचार, वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, भावनाएं आदि सब कुछ पर माया प्रियतमा का प्रभाव है। कभी अपनी प्रियतमा या माता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरा ना जाने कौन सा रिश्ता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ। यानी प्रियतमा और माता के साथ ना जाने कौन सा रिश्ता है कि कभी अपने मन की जितनी भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, जो भी विचारों को, इच्छाओं को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, वे सभी भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती दिखाई देती हैं। और कवि कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा मेरी ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी कांति बिखेरता है, मेरी ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी कांति, कांति का अर्थ है चमक, फैलाता रहता है। पुनः कवि कहते हैं कि वे अपनी प्रियतमा या माता के प्रभाव से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि माता और प्रियतमा के प्रभाव का अनुभव होते ही कवि को आभास होने लगता है कि वे अंतर मन से, अंतरात्मा से, अंदर से दुर्बल होने लगे हैं। और इसलिए कवि को जब आभास होता है कि वे दुर्बल होने का अनुभव, यानी उनका मानसिक बल टूटने जैसा प्रतीत होता है, तो वे कहते हैं कि तुम ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरे में लुप्त हो जाऊं। दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, तो कभी कामना करते हैं कि उस दक्षिणी ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में वे लुप्त हो जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब कवि को अपनी माता या प्रियतमा का स्मरण हुआ था, चूंकि वे हर कुछ, सब कुछ उन्हें ही समर्पित करते हैं, और जब भी माता की ममता और उनका दुलार का अनुभव उन्हें लगता है, तो कवि को लगता है कि वे माता की ममता या प्रियतमा के कोमल स्पर्श को अधिक अधिक समय तक सहन नहीं कर पाएंगे। और चूंकि सब कुछ उन्होंने प्रियतमा या अपनी माँ को समर्पित कर दिया, इसलिए कहते हैं तुम्हारे उजालेपन की रात्रि के अंधेरे में मैं लुप्त हो जाऊंगा, अधिक सहन नहीं कर पाऊंगा, मेरी आत्मा कमजोर पड़ने लगी है। कवि स्वयं को पाताली अंधेरे में, गुफाओं में लापता होने की बात करते हैं, क्योंकि फिर भी वहां भी उन्हें माता और प्रियतमा का
सहारा उन्हें प्राप्त होता है। और इस तरह माता और प्रियतमा का सहारा प्राप्त करके कवि हर तरह के दुखों, कष्टों को, कठिनाइयों को, अवसाद को, संघर्ष को सहर्ष स्वीकार कर पाने में सक्षम होते हैं। यही कविता का मूल भाव है। हम शुरू की पंक्तियां शुरू करेंगे। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, वे गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता का यह अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है, मौलिक अर्थ है वास्तविक, इसलिए कि पल 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 हर क्षण में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जागृत अर्थ है जगा हुआ, अपलक यानी बिना पलक झपकाए, संवेदन अर्थ है अनुभूति या एहसास। मैंने दो चार भाषागत विशेषताओं को लिख दिया है। पंक्तियां खड़ी बोली में लिखी गई हैं। पिछली कविता की भांति ये कविता भी मुक्तक छंद में लिखी गई है। और कवि चूंकि अपनी प्रियतमा और माता को संबोधित करते हैं, इसलिए संबोधन शैली में पंक्तियां लिखी गई हैं। कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय माँ या प्रियतमा को देते हैं। सहर्ष स्वीकारा है गर्वीली गरीबी, विचार वैभव में, जैसे स सवन की आवृत्ति के कारण ग, और ग वन की आवृत्ति के कारण व, वन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, विचार वैभव भीतर की सरिता में रूपक अलंकार, तथा पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, जब काव्य सौंदर्य और काव्य सौंदर्य लिखने के लिए दिया जाता है तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में कि कम से कम आप काव्य सौंदर्य के साथ साथ दो या तीन विशेषताएं अवश्य लिखें, इसलिए आप इन पंक्तियों को अपनी कॉपी पर अवश्य लिख लेंगे। हम पंक्तियां पढ़ेंगे और एक बार, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। प्रस्तुत पंक्तियां सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक कविता से ली गई है। इसके कवि गजानन माधव मुक्ति बोध है। इस कविता में कवि ने जीवन में सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक, कष्ट, सब कुछ को समान भाव से स्वीकार करने की हमें प्रेरणा देते हैं। इसलिए कहते हैं जो कुछ जिंदगी में है, यानी कवि की जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है और जैसा भी है, कवि कहते हैं मैं उसे खुशी से स्वीकार करता हूँ, सहर्ष स्वीकार करता हूँ, बिना रुकावट के, बिना हिचकिचाहट के मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अर्थात कवि अपने जीवन की हर उपलब्धि व स्थिति, वो अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति को कवि सहर्ष स्वीकार करते हैं, बिना हिचकिचाए स्वीकार करते हैं, क्योंकि यही जिंदगी की सच्चाई है। क्योंकि कवि का कहना है जो कुछ भी जीवन में उपलब्धियां हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, अवसाद है, दुख है, सब कुछ, अर्थात जो कुछ भी कवि का है सब उसकी माता या प्रियतमा का है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और कवि की जीवन में जो कुछ भी उपलब्धियां, जो कुछ भी खुशियां हैं, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, संवेदना है, सब कुछ कवि स्वीकार करते हैं सहर्ष रूप से, बिना हिचकिचाए, बिना किसी भी प्रकार का प्रतिकार किए। और कवि ने जो कुछ भी स्वीकार किया है, जो कुछ भी कवि के पास है, कष्ट, पीड़ा, दुख, अवसाद, संवेदना, जो कुछ भी कवि के पास, वह उनकी माता और प्रिय को, प्रियतमा को अच्छा लगता है, वह उनकी माता और प्रियतमा को प्यारा है। गर्वीली गरीबी, कवि कहते हैं स्वाभिमान युक्त गरीबी, अहंकार युक्त गरीबी, जीवन की गंभीरता, अनुभव, विचार वैभव, विचारों का वैभव यानी विचार रूपी वैभव, व्यक्ति की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, भावनाओं रूपी नदी, अर्थात कवि कहते हैं अंतःकरण की, अंतर मन की सभी भावनाओं को मैं मौलिक मानता हूँ। जो कुछ भी कवि, पुनः मैं फिर से इसको स्पष्ट करती हूँ, कवि की हर उपलब्धि उनकी प्रियतमा और माता को पसंद है। कवि का स्वाभिमान युक्त गरीबी, अहंकार युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव,
जो कुछ कवि ने कष्ट दुख पीड़ा का अनुभव किया, अवसाद का अनुभव किया, संघर्ष का अनुभव किया, विचारों का वैभव, जो कुछ भी वे सोचते हैं वह वैभवपूर्ण है। व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी अर्थात अंतःकरण की भावनाओं को, सब कुछ को कवि स्वाभाविक मानते हैं। और इसका प्रमुख कारण यह है कि ये सब यथार्थ के प्रतिफल हैं, सच्चाई के प्रतिफल हैं, और इन सब पर किसी का प्रभाव नहीं है और इन सब पर किसी का अधिकार भी नहीं है। कवि कहते हैं, मेरे जीवन में हर पल पल पल, हर क्षण प्रतिक्षण, हर समय इसकी, जीवन में आने वाले हर कठिनाइयों का, जीवन में आने वाले हर क्षण का, हर पल का, अर्थात हर तरह की समस्याओं का या उन समस्याओं से मुक्त होने का भाव, सब कुछ वास्तविकता या मौलिकता के कारण है। और उनके जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयां आती हैं, जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, वे सब कुछ कहते हैं, जो कुछ जागृत है, जो कुछ जागा हुआ है, जो कुछ भी उपलब्धियां हैं, वह सब कुछ उनकी माता की प्रेरणा से, उनकी माता की अनुभूतियों के से जुड़ी हुई हैं। और जो कुछ भी जागृत है, अपलक निरंतर, अपलक का दूसरा अर्थ भी कविता की पंक्तियों के अनुसार अपलक अर्थ निरंतर, और दूसरा अर्थ है अपलक बिना पलक झपकाए। कवि के जीवन में हर क्षण हर पल जो कुछ भी घटित होता है वह सब कुछ जागा हुआ है, और उनके जीवन में निरंतर ये घटनाएं घटित होती रहती हैं, उन्हें जीवन में हर तरह की उपलब्धियां भी प्राप्त हैं, परंतु कवि सब कुछ को अपनी माँ और प्रियतमा को समर्पित करते हुए कहते हैं कि यह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है, यह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा के कारण, प्रेरणा और तुम्हारे सहर्ष मुझे स्वीकारने के कारण या मेरा प्रोत्साहन, मेरा उत्साह बढ़ाने के कारण है, और यही कारण है कि अनुभूतियां मुझे हमेशा आपके आपके समीप ले जाती हैं और आपके के आपका मेरे समीप होने का एहसास कराती हैं। आशा है प्रारंभ की पंक्तियां आपको समझ में आ गई होंगी। नोट्स आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, जहां स्पष्ट नहीं होगा स्पष्ट हो जाएगा, और जहां कहीं भी आपके मन में कोई शंका या संदेह उत्पन्न होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।